हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। हम बात करेंगे रिलायंस कैपिटल शेयर के बारे में। 15 नवंबर के बाद से ट्रेडिंग दोबारा से बंद हो गई है। रीज़न जानेंगे, सीआईआरपी में क्या नेक्स्ट स्टेप चल रहा है वो जानेंगे। सो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। एंड चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। शेयर का नेम है रिलायंस कैपिटल। करेंट प्राइस है 12.39। ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट है। रीज़न है आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट। सीआईआरपी चल रही है, आपको पता है। आईआरपी स्टेज वन में है शेयर। 52 वीक हाई था इसका 23.30, लो है 8.80। मार्केट कैप है 313 करोड़। तो फ्रेंड्स, ये 313 करोड़ इन्वेस्टर्स के फंस चुके हैं। टर्नओवर है 70 लाख का। इन्वेस्टमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है ये शेयर। तो फ्रेंड्स, ऐसे शेयर हमेशा अवॉइड करने हैं जो एक लॉस मेकिंग कंपनी हो। लॉस मेकिंग कंपनी थी, इनका जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है वो आपको बताती हूँ। सितंबर में लॉस आया है 21,523 लाख का। जून में था 49,140 लाख का। और लास्ट ईयर था 1,15,556 लाख का। तो लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है। दैट्स वाई सीआईआरपी चल रहा है। 15 नवंबर को एक न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है सीआईआरपी से रिलेटेड। जो सीआईआरपी का आउटकम है तो उसमें बताया गया है कि 24th मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स वॉज कंडक्टेड ऑन ट्यूजडे 15 नवंबर एट 2:30 PM। तो फ्रेंड, वही उसमें नॉर्मल जो प्रोसेस है वही चल रहा है। तो आप देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस कम हुआ है सितंबर क्वार्टर में, बट फिर भी कोई इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ। लॉस बहुत ज़्यादा है इसमें। एंड सीआईआरपी चल रही है तो डेफिनेटली अब इसको कुछ कंपनी एक्वायर कर लेगी और जो इन्वेस्टर्स हैं उसके पैसे फंस गए हैं। अब शेयर रीलिस्ट होता है तो ही पता लगेगा कि रीलिस्ट होगा तो कितने रिटर्न में होगा या नहीं भी होगा। फोर्टिन्स कंपनी ने इसके लिए बोली लगाई थी, इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो जो भी अपडेट होगा आ जाएगा। सीआईआरपी चलता है, आपको पता है, लॉन्ग प्रोसीजर है। प्रोमोटर होल्डिंग शेयर में, प्रोमोटर देखिए 0.88%। तो प्रोमोटर्स हैं ही नहीं शेयर में और पब्लिक है 98.48%। तो प्रोमोटर्स नहीं है, पब्लिक है ओनली विद 98%। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव शेयर है, फंडामेंटल्स नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव एंड जो सीआईआरपी है उसकी वजह से। मैंने आपको बोला था अगर निकलना चाहते हैं तो जितने भी प्रॉफिट में हैं या अगर लॉस में भी हैं तो निकल जाइए, क्योंकि इस यहाँ पे अब दोबारा टाइम लग सकता है। एक सीआईआरपी चल रही है तो आपको मार्केट ओपन होने से पहले 9:05 या 9:10 पे ऑर्डर लगाना है, और वो ऑर्डर आप अगर लकी है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग चलनी चाहिए उसके लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तो जैसे ट्रेडिंग बंद है तो देखते हैं नेक्स्ट मंडे को ट्रेडिंग होता है या नहीं होता, बिकॉज पहले भी इस शेयर में सिर्फ मंडे को ही ट्रेडिंग हो रहा था। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जो दोनों अपडेट थे, रिजल्ट भी बता दिया मैंने आपको और सीआईआरपी का जो आउटकम था वो भी बता दिया है। कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट ऐसे शेयर्स को अवॉइड कीजिए जिस जो पेनी स्टॉक हो और जिनकी रिजल्ट्स अच्छे ना हो। सो थैंक यू सो मच।